हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट टू आइडेंटिकल हेमिस्फेरिकल बॉल्स आर प्लेस्ड इनसाइड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू बोथ द बॉल्स। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट विल बी द की कंसेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। द की कंसेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन विल बी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। So, E dot A means E A cos theta, and यहाँ पे E A cos theta आने का मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया होगा तो वहाँ पे cos theta जीरो हो जाएगा, तो phi कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर जो होगा वहाँ पे phi कितना हो जाएगा, दैट विल बी phi विल बी इक्वल टू ई ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर कितना है, इधर है। ठीक है, तो ये पैरेलल है। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ पॉइंटिंग आउट होगा, तो दैट विल बी परपेंडिकुलर। सो फाई वन यहाँ पे कितना होगा, फाई वन विल बी इक्वल टू ई डॉट 2πr² क्यों, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πr², ये कर्व सरफेस एरिया है। और यहाँ पे जो होगा डेट विल बी फाइव टू विल बी इक्वल टू ई डॉट पाई आर स्क्वायर। सो फाइव वन बाई फाइव टू का रेशियो जो आएगा डेट विल बी इक्वल टू टू। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।